नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा के पीपलखेड़ा में किसान का 2 लाख का गेहूं खराब हुआ बारिश में, आवेदन सौंपा। किसान राम नरेश गुप्ता ग्राम पीपलखेड़ा जिला विदिशा 6 जून को तहसीलदार को आवेदन सौंपा। ज्ञापन दिया कि किसान की अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, वरदाना की कमी बताई गई, नहीं हो सकी गेहूं की खरीद, बारिश में 2 लाख रुपए का गेहूं खराब हुआ। विदिशा संवाददाता मोनिश शाह की रिपोर्ट। मैं राम नरेश गुप्ता ग्राम पीपलखेड़ा से, मैंने अपने पंजीयन करवाया था 370 क्विंटल का, जो सोसाइटी में बारदाने की कमी के कारण 1 तारीख तो गेहूँ मेरा पड़ा रहा और इसके बाद मेरे करीब 2 लाख रुपए का गेहूँ का नुकसान हो चुका है। मैंने तहसील में कलेक्टर साहब के यहाँ सब जगह आवेदन दिए, अब तक ना मेरी कोई सुनवाई हुई, ना कोई मेरे पास कलेक्टर या तहसीलदार साहब से कोई मेरे पास अभी पटवारी या कोई मुआवजा आया वो आया, और मैं तहसीलदार कलेक्टर साहब से मांग करता हूँ कि मुझे उचित मुआवजा और का नाम है बीमा राशि के रूप में मुझे कुछ सहायता प्रदान की जाए। अभी तक आपका कितने क्विंटल अनाज का नुकसान हुआ है पानी में? मेरे करीब 50-60 क्विंटल गेहूँ ज़्यादा खराब पोजिशन हो गई। कौन सा गेहूँ था ये? सर 315-44। अच्छा, हाँ। कितनी कीमत हो गई इसकी? करीब उसकी 1,30,000-40,000 रुपये कीमत हो गई। अच्छा, तो आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे उचित मुआवजा दिया जाए या उस पर जल्द कार्रवाई।